नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही एसेंशियल और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई अकोमोडेशन पे भी कुछ बनाओ, जो कि मैं बनाने ही वाला था। इवेंचुअली मुझे बनाना ही था, बस क्या है कि मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था और इसमें आपको पता चलेगा मैंने क्या रिसर्च करी है आपके अकोमोडेशन के लिए। और कुछ ऐसी बातें मैं आपसे करूँगा शेयर जो थोड़ी सी बोलने में कड़वी लगती हैं यार लोगों को, लेकिन क्या है कि ज़रूरी भी है यार। देखो अल्टीमेटली आपने रहना है, सुकून से रहना है, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको मैं कुछ भी खाली व्यूज़ के लिए वीडियो बना के दे दूँ। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट है, इसको आप टिप बोलें, कभी भी आप इंडिया से अकोमोडेशन अपना चूज ना करें। ये बहुत बड़ी लोग गलती करते हैं और फ्रॉड्स में फंस जाते हैं वो, क्योंकि क्या है एक्साइटमेंट के मारे लोग कभी इधर उधर की चीजें नहीं देख पाते और नहीं भी पता होता लोगों को, स्वाभाविक सी बात है। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि तो भाई मैं सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप जब इंडिया से आ रहे हो तो आप एयरबीएनबी करें। तो एयरबीएनबी कर लो, वो चलो चलता है, बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट या फिर अगर कोई आपका दोस्त रहता हो यहाँ पे तो उसके घर पे जाके रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई भी रेंटल यूनिट पहले से मत करना। तुम्हें नहीं पता वो कैसी है, कहाँ है, तुम्हें अभी आइडिया नहीं है लंदन का। मैं दूंगा आइडिया, बट फिर भी आप इंडिया से कभी मत करना। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है भाई, बी वेयर ऑफ फ्रॉड्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, बी वेयर ऑफ फ्रॉड्स। यहाँ पे अगर आप 10 अकोमोडेशन देख रहे हैं तो 10 में से 6, मतलब 50% से भी ज्यादा 6 अकोमोडेशन ऐसे होंगे जो फ्रॉड होंगे। और मैं अभी आपको अपनी शेयर कर देता हूँ यहाँ पे चैट्स, अगर आप देख पा रहे होंगे ऐसे ऐसी चैट्स आती हैं कि भाई पहले पेमेंट करो, पहले एजेंट हूँ मैं, और ये जो भी एजेंट क्लेम करे भाई वो मतलब एजेंट होते हैं यहाँ पे लेकिन वो बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। तो एजेंट के थ्रू कभी मत लेना, ये दिल्ली नहीं है या ये कोई और जगह नहीं है, लंदन है, यहाँ पे सब ऐसे ही होते हैं, एजेंट वेजेंट की जरूरत पड़ती नहीं है। रियल एस्टेट एजेंट खाली घर बेचने में काम आते हैं। तो फ्रॉड्स से दूर रहना। अभी मैं आपको और भी दिखा दूंगा कि फ्रॉड्स किस टाइप के होते हैं, यहाँ पे सब कुछ आ रहा होगा, लिख के आप देख लेना। मैं आपको अपनी पर्सनल चैट्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप समझ लेना कि फ्रॉड से दूर रहना भाई, इसलिए ये आप लंदन आने के बाद भी आओ या चाहे पहले भी आओ, तो मतलब फ्रॉड्स का ध्यान रखना, वो तुम्हें पता चल जाएगा फ्रॉड है। जो आदमी पहले पैसे मांग रहा हो या ओनर, और आप सबसे पहले उससे पूछो कि तुम ओनर हो कि नहीं हो। अगर वो ये बोले कि मैं ओनर का फ्रेंड हूँ तो भैया वो फ्रॉड है, ठीक है। अगर वो ये बोले कि नहीं मैं कोई डीलर हूँ तो वो फ्रॉड है। अगर वो ये बोले कि भाई पहले आपको पैसे देने हैं, फिर आपको जो है मैं कोड दे दूंगा सिक्योरिटी लॉगिन करने का, फिर अंदर आ जाके देख जाना, कोई भी पहले पैसे मांगे वो फ्रॉड है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि भाई आपको अकोमोडेशन लेना कहाँ चाहिए। ये मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी मैंने इस बारे में बात करी है, मैं फिर आपको बताता हूँ कि अकोमोडेशन कहाँ लेना चाहिए। तो पहला तो ये कि अगर तो अभी आप पहले देखो आओगे तो सबसे पहले आपको काम तो मिलेगा नहीं, मतलब इवेंचुअली थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा काम मिलने में। अगर काम आपको मिल ही जाता है आते ही थोड़ा बहुत एक महीने के अंदर ही, तो कोशिश करना काम के पास आपका अकोमोडेशन हो। और अगर कॉलेज और काम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब डिस्टेंस नहीं है और एक ही बस सिंगल रूट पे चलती है तो बेस्ट है, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। और कोशिश करना कि काम और जो तुम्हारा कॉलेज इसमें बहुत डिस्टेंस ना हो, क्योंकि देखो मैं बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में हूँ। बिजनेस मैनेजमेंट में क्या है कि आपको क्लासेस रेगुलरली जाना ही पड़ता है, ये हमारे पास ऑप्शन थोड़ा कम है, हमको क्लासेस जाना पड़ता है, इसको मतलब बैलेंस करके चलना पड़ता है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है बिजनेस मैनेजमेंट में। हेल्थ केयर मैनेजमेंट का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, हेल्थ केयर वाले भी बहुत बच्चे आ रहे हैं, अपना आप पता कर लेना, लेकिन हमारे में तो अटेंडेंस कंपलसरी है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा अकोमोडेशन ढूंढो जो दोनों से ही पास में हो, या अगर नहीं मिल रहा है ऐसा तो कोई एक जगह ऐसी हो, मतलब या आपका कॉलेज या तो आपका काम, जो बहुत ही पास में, मतलब लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस होना चाहिए। क्योंकि देखो समर्स में सितंबर अक्टूबर में तो प्रॉब्लम नहीं होती, जब विंटर्स आएगी ना तब आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर बात आती है कि बजट क्या होना चाहिए, तो देखिए वो बहुत ही रिलेटिव चीज़ है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका बजट क्या है। एक मैं जनरल आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ कि आपका बजट कितना होना चाहिए, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ कितना होना चाहिए। तो अगर तो आप एक प्राइवेट रूम देखने जा रहे हैं तो वो आपका कहीं ना कहीं 750 से 800 के बीच में, या हो सकता है कि अगर थोड़ा एक्सपेंसिव है तो 1000 तक भी जा सकता है। तो 750 से 1000 के बीच में वैरी करता है एक प्राइवेट रूम किसी भी अपार्टमेंट में या किसी भी, तो आप 1000 से अंदर ही अंदर मिल जाएगा। फिर दूसरी चीज जो सबसे कॉमन और जनरल है, शेयरिंग। आप किसी बंदे के साथ अगर रूम शेयर करते हैं तो वो आपका कितना होना चाहिए। तो शेयरिंग में यार 450 to 500, इससे ज्यादा सेंस नहीं बनता। अगर बहुत अच्छा है 550 तक मैक्सिमम जाएगा आपका शेयरिंग बेसिस पे, इससे ज्यादा देने का कोई मतलब नहीं है, मत देना, क्योंकि इससे ज्यादा अगर कोई मांग रहा है तो वो बेवकूफ बना रहा है आपको। फिर बात आ जाती है बेसमेंट की। अच्छा, बेसमेंट में मैं कभी रहा नहीं हूँ पर्सनली, मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है वो रह चुका है बेसमेंट में और मैंने एक दो लोगों के एक्सपीरियंस सुने हैं। तो बेसमेंट इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइक बेसमेंट में बग्स की प्रॉब्लम होती है,
है ना। और दूसरी चीज़ क्या, बारिश वगैरह में कीड़े मकौड़े और दुनिया भर के ये सब आ जाते हैं, और क्योंकि वो ग्राउंड के अंदर होता है ना, आप समझ रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली वो नमी से और प्रॉब्लम होती ही होती है बेसमेंट में। यहाँ पे जो घर होते हैं वो वुड के होते हैं, तो वुड के घरों में तो वो पेनिट्रेट करता है ना बैक्टीरिया वायरस सब अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि बेसमेंट का प्राइस थोड़ा सा कम होता है। आप मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ प्रिफरेबल ही नहीं है। मतलब देखो, लंदन में ऑटोमेटिकली आपको अकोमोडेशन के पैसे कम देने पड़ते हैं, तो उसके बावजूद अगर आप बेसमेंट में रह रहे हो तो मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनता यार। $100 की बात है, $100 नहीं, $50 $60 की बात होगी, कहीं और खर्चा कर दोगे। इससे अच्छा अपने अकोमोडेशन में करो, सुकून से रहोगे, अच्छी जगह पर रहोगे ना, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, ढंग से रहोगे। तो ये तो होगी बेसमेंट की बात। तो एक बात और आपको बताता हूँ जो और बड़े मतलब उसमें प्लान कर रहे हैं कि हाँ मुझे और लोगों के साथ रहना है। तो एक तो हो गया 1 BHK। 1 BHK का यहाँ पे बेसिक रेंट है $1700 से $1800 के बीच में आपको 1 BHK मिल जाएगा। कभी कभी सस्ते भी मिल जाते हैं, मतलब ये कोई रिजिड प्राइस नहीं है, फ्लेक्सिबल है, डिपेंड करता है ओनर टू ओनर। कभी कभी 1300-1400 तक के भी 1 BHK मिल जाते हैं, बट टोटली डिपेंड्स की लोकेलिटी क्या है, एरिया क्या है ना। दूसरी बात आती है 2 BHK। 2 BHK का जो यहाँ पे रेंट है वो है 1900 से 2200 के बीच में। 2 BHK आप कितने लोग शेयर करोगे, कम से कम 4 से 5 लोग शेयर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें लिविंग रूम होता है, वहां पे भी बंदे रह लेते हैं। ये लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों का हिसाब किताब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और एक जो और बहुत ही कॉमन चीज होती है, कुछ कुछ लोग जैसे पूरा ग्रुप हो जाता है उनका 6 से 7-8 लोगों का, तो वो पूरा घर लीज पे लेते हैं, तो वो जनरली 2300 से 2600 मतलब 2300 to 2600 के बीच में उसकी रेंज होती है। एंड ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है अगर जैसे लड़के लड़के या फ्रेंड्स हैं आपस में, आपके कॉलेज में आके फ्रेंड्स बन गए, तो आप पूरा घर ले ले। बस उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, कभी फ्यूचर में अगर आप लोगों का प्लान बने अपने दोस्तों के साथ या अपने क्लासमेट्स के साथ लेने का, प्रॉब्लम ये होती है कि यूजुअली यहाँ पे घरों में वॉशरूम की बहुत प्रॉब्लम होती है। वॉशरूम मतलब बहुत कम होते हैं, मतलब जैसे कि अगर पूरा घर है तो कभी कभार उसमें सिर्फ एक ही वॉशरूम होगा या ज़्यादा ज़्यादा 2 होंगे। अगर 8 लोग रह रहे हैं, आप ये सोचो 8 लोगों को सबको क्लास जाना है सेम टाइम पे, वो कैसे 2 वॉशरूम में 8 लोग मैनेज कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब और खास करके अगर वहाँ पे लड़कियाँ रह रही हैं, लड़कों का तो फिर भी चलो मैनेज हो जाता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता इतना। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट ठीक है यार, लड़कियों में कभी कभार चीज़ें होती हैं जो सॉर्ट नहीं हो पाती हैं, तो लड़कियों में कपल्स में, और फिर वो भाई वो महाभारत हो जाएगी फालतू में। मेरा मतलब है कि ये लेने का कोई मतलब नहीं है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई अगर आप पूरा घर लेते हैं तो वॉशरूम की प्रॉब्लम उसमें आती है। और अब दोस्तों मैं एक ऐसी बात बोलने जा रहा हूँ कि जो बहुत सारे अपने ही लोगों को ख़राब लगेगी, लेकिन जो यहाँ की सच्चाई है, जो मैंने अपने भी एक्सपीरियंस से देखा है, और बाकी बहुत से ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो ये चीज़ बोलते भी हैं, और बहुत ही जनरल आपको शायद और लोगों ने भी बोली होगी ये चीज़। देखो इंडियन ओनर्स जो हैं, मैं जनरल बात नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल यार मुझे करनी पड़ रही है, बी वेयर ऑफ देम, क्योंकि बहुत सारे देसी ऐसे यहाँ पे हैं जो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हैं, आपसे पैसे ऐंठने के लिए बैठे हैं। और बहुत से ऐसे शाणे लोग होते हैं ना जो आपका काटने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ऐसे लोगों से, जो बहुत अच्छा बन रहे हो ना स्टार्टिंग में, उनसे आप थोड़ा सा दूर रहिएगा, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा ऐसे लोगों से, तो बहुत दूर रहिएगा। मैं आपको कहूँगा कैनेडियन ओनर्स के साथ चले जाना, लेकिन इंडियन लैंडलॉर्ड से कोशिश करना दूर रहना। अच्छा एक पॉइंट में और यहाँ पे बताना चाहूंगा आप लोगों को कि किस किस तरीके के घर कैनेडा में यूजुअली होते हैं। तो मेरे समझ से यहाँ पे 3 तरीके के घर होते हैं। सबसे पहले तो एक नॉर्मल हाउस होता है जो आपको सड़क चलते दिख जाएंगे। दूसरा होता है टाउन हाउस, उसकी फोटो मैं इधर लगा देता हूँ। टाउन हाउस क्या होता है कि एक बड़ा सा घर होता है, उसमें अलग अलग जैसे ऊपर नीचे करके रेंटिंग पे या कोई भी फैमिली रहती है, तो वो थोड़ा सा लंबाई में बना होता है, तो उसमें क्या बहुत सारे लोग रहते हैं, बट सबका सेपरेट पूरा घर सेपरेट होता है, बस टाउन हाउस होता है, मतलब लंबा सा होता है। और तीसरा तो अपार्टमेंट या कॉन्डो बोलते हैं अपार्टमेंट को यहाँ पे, तो तीसरे कॉन्डो होते हैं, तो कॉन्डो इज लाइक नॉर्मल सा अपार्टमेंट होता है, उसमें कुछ अलग नहीं होता है। अपार्टमेंट में रहने का एक बहुत बड़ा फायदा है, आप जब विंटर्स में वहाँ पे रहेंगे ना, तो आपको स्नो नहीं साफ करनी पड़ेगी, ये सब काम पूरा सिटी का होता है। यहाँ पे लंदन में एक सिटी नाम का एक, जैसे अपने नगर निगम होता है ना, वैसे यहाँ पे सिटी बोलते हैं उसको, तो सिटी जो है वो सब काम करती है, रोड साफ करना है ये वो। तो दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो मुझे कहीं से पता चली थी और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। मतलब मैंने इंडिया से अपना एयरबीएनबी किया था, तो वहाँ पे मुझे मतलब मैं तो देखो यार सबसे सस्ता ही ढूंढ रहा था, स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी क्या होती है कि कॉस्ट कटिंग होनी चाहिए स्टार्टिंग में। तो हमने क्या किया था कि अपना एयरबीएनबी बहुत सस्ता वाला ढूंढ रहा था, जो सबसे ऑलमोस्ट सबसे सस्ता था लंदन में, लेकिन अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, ओनर्स वर ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे लोग थे। स्टिल जो एरिया था मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा ये चीज़। तो आप ये देख सकते हैं लंदन का ये मैप है,
इसमें क्या है कि ये जो वेस्ट लंदन आप देख रहे हो ना, ये देखो ये डाउनटाउन का एरिया है, और आप इसमें ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये पूरा पर्टिकुलर इतना एरिया जो है ये, यार ये अच्छी जगह नहीं है। यहाँ पे आपको सड़क चलते होमीज, जंकीज, इस टाइप के लोग मिलेंगे। और मतलब तुम कभी आओ लंदन तो तुम देखना वहाँ पे जाके, वो उसकी वाइब ही अलग है उस जगह की। और भी शायद कुछ जगह होंगी लंदन में, लेकिन मैं यहाँ पे रहा हुआ हूँ ना इस जगह पे। अगर आपको एयरबीएनबी चूज करना है तो मैं जिस एयरबीएनबी में मैं गया था उनका जो है मैं नंबर और कॉन्टैक्ट और क्या कहते हैं ईमेल एड्रेस सब कुछ मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डालूंगा आपके ऊपर। मेरा देखो कोई कमीशन नहीं है, मतलब उनको जानता हूँ पर्सनली, आपकी भी हेल्प हो जाएगी, उनका भी बढ़िया चल जाएगा, तो इसलिए मैं डाल देता हूँ। तो ये तो हो गया, ये लंदन का मैप है। अच्छा, फैनशो का साउथ कैंपस देखो, ये जो तीन लेक दिख रहे हैं ना, ऐसे फैनशो का साउथ कैंपस आपका जो है इस जगह पे है, सॉरी इस जगह पे। ये देखो फैनशो साउथ कैंपस। तो ये भी आप कोशिश कर सकते हो कि ये जो एक रोड है ना, ब्रैडली एवेन्यू बोलते हैं इसको, ब्रैडली एव, और ये आपकी वेलिंगटन स्ट्रीट है, वेलिंगटन रोड है। तो इस या तो इस रोड पे या तो इस रोड पे, अगर साउथ कैंपस वाले हो आप तो इन इन दोनों पे कहीं पे आप देख सकते हैं। अगर आप साउथ कैंपस वाले नहीं है तो इसका इस पार्ट को स्किप कर दीजिए। और हाँ, अगर आप डाउनटाउन में हैं तो भाई ये एरिया है डाउनटाउन आपका, ये पूरा डाउनटाउन है। यहाँ पे आपको प्लेंटी ऑफ हाउसेस, प्लेंटी ऑफ अपार्टमेंट्स, प्लेंटी ऑफ यू नो, बहुत ज़्यादा अकोमोडेशन है डाउनटाउन में। और बस का रूट मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा कि यार कोशिश करना कि अगर आपको कभी कभी अपने कॉलेज से घर या काम से घर बस से जाना है ना, तो कोशिश करना कि यार बस का जो रूट हो वो एक ही रूट हो। मतलब कहने का है कि एक ही बस से आना और जाना हो, आपको चेंज ना करनी पड़े। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मैंने अपनी वीडियोस में भी डाला है ये चीज़, ये बस ड्राइवर जो होते हैं यहाँ के रुक जाते हैं कहीं पे भी, टिम हॉर्टन्स पे रुक जाएंगे, कॉफ़ी पीने लगेंगे या कहीं भी उतर जाएंगे, रुक जाएंगे, आपकी बस छूट या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बस रुक जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप एक ही बस का रूट चूज करो, फिर चाहे जहाँ भी आपको जाना हो। अगर ऐसा एक्सेप्शनल कोई बात है तो अलग बात है, अदरवाइज मैं आपको ये टिप दूंगा कि एक बस का ही रूट रखना। और अब हम इस वीडियो की एंड में आने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो इस वीडियो का आखिरी सेगमेंट होने वाला है, आपको घर लंदन में आप आ जाए ना तभी ढूंढना स्टार्ट करना, और कहाँ पे ढूंढोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कहाँ ढूंढना है आपको पता ही होगा वैसे तो, लेकिन एक इसमें लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, तो आप ऐसे स्किप मत करना आगे। तो देखिए, ये आपका मार्केट प्लेस है, तो मार्केट प्लेस में सबसे पहले आप उसमें फिल्टर कर दो कि आपको क्या देखना है। अब ये देखो मैंने यहाँ पे लंदन ओंटारियो डाला है, और मैंने इसमें एक वो लोकेशन डाल रखी है कि मुझे कहाँ देखना है। रेडियस आप इसमें चूज कर सकते हो 1, 2, 4, मैंने 4 किलोमीटर ऐसे ही चूज कर रखा है। अब इसको मैं अप्लाई कर दूँ, और ये जो पेन पॉइंट है ये आप चूज कर लेना आपको कहाँ से डालना है, आप अपनी अकोमोडेशन से डाल रहे हो या अपने कॉलेज से डाल रहे हो, डिपेंड्स। तो अब इसको हम अप्लाई कर देंगे। अब ये देखो हमको इतने सारे दिखा रहा है, ये देखो ये बेसमेंट, बेसमेंट की पता है तुमको एक क्या पहचान होती है, बेसमेंट की पहचान होती है इसकी जो विंडो होती है ना, ये बिल्कुल खोपड़ी के ऊपर दिखेगी तुमको, एकदम ऊपर सीलिंग के पास होगी। और ये देखो 650 का है ये, मैं बोल रहा था ना आपको बेसमेंट कंपेरेटिवली चीप होता है। तो मान चलो आपको एक ये लिस्टिंग दिखा देता हूँ मैं, ये देखो कैसे भर रखा है सारा सामान। बट ये है कि इसमें आराम से दो लोग भी अगर शेयर कर लें तो आपका 325 रेंट निकल जाएगा। अब इसमें और आप देख लो, हाउस की हाउस है, और एक बेड एक बाथरूम है, सेंट्रलाइज्ड एसी है, सेंट्रल हीटिंग है, वॉशिंग मशीन भी है, ड्रायर भी है, अनफर्निश्ड है, लेकिन ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनफर्निश्ड है, और अनफर्निश्ड है तो आपको गद्दा वद्दा सब अपना लेना पड़ेगा, मैट्रेस वगैरह। और ये देखो बेसमेंट मैंशनड है यहाँ पे साफ साफ, और कभी भी रूम इसको कभी भी अपने बंदे को मैसेज करने से पहले ना सबसे पहले उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लो। तो जैसे हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि प्राइवेट रूम है ना, 1 अगस्त से अवेलेबल है, हाउस इज ऑन मेन रोड, रेंट इतना होगा, अनफर्निश्ड, पूरा डिटेल जो है आपका यहाँ पे लिखा होगा। अब हम इसको भेजना हो तो भेजें, हमको तो नहीं भेजना है, और ना आप भेज सकते हैं इसमें। और जैसे देख लिया आपने, ये देखो पूरा घर मिल रहा है, ये टाउन हाउस है ना, 3 बेड, 1.5 बाथरूम। अच्छा, 1.5 बाथरूम का मतलब ये होता है एक वॉशरूम होगा जहाँ पे पूरा नहाने धोने का पॉट वगैरह सब कुछ लगा होगा, उसमें बेसिन भी होगा, ब्रश, मतलब पूरा प्रॉपर वॉशरूम होगा। एक वॉशरूम होगा जिसमें सिर्फ जो है पॉट होगा और बेसिन। तो 1.5 का मतलब होता है कि उसमें नहाने वाला सिस्टम एक्सक्लूडेड होगा, वो नहाने वाला उसमें सिस्टम नहीं होगा। ये देखो एक प्राइवेट रूम फॉर रेंट है। अच्छा, जैसे इस तरीके की अगर कोई फोटोज डालता है ना स्क्रीनशॉट में, तो थोड़ा सा उससे मतलब सोच समझ के बात करना, क्योंकि ऐसे लोग फ्रॉड्स ही होते हैं ज़्यादातर। ये मुझे फ्रॉड नहीं लग रहा है, ये तो जेन्युइन लग रहा है, कोई लड़की ने डाला है ये,
बट होते हैं, तो मैं आपको ये भी और दिखा देता हूँ एक दो चीज़ें। और जैसे, अरे हाँ एक चीज़ और, जैसे अगर ये बहुत नए नए घर दिखाता है ना कोई, कि एकदम नए नए घर होंगे, एकदम प्रॉप, एकदम वाइट वाइट, बहुत ग्लो कर रहे हो घर, तो वो भी समझ जाना वो भी फ्रॉड होते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी यार होते भी होंगे तो अलग बात है, बट ध्यान रखना इस चीज़ का। ये देखो पूरा घर है, ये आपका इतने का मिल रहा है, ऐसे आप सर्च करना मार्केट प्लेस में आपको मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है किजीजी। किजीजी के लिए आपको किजीजी की साइट पे जाना है। इसमें कैटेगरीज में आप सर्च कर लो, बाय सेल, ये सब रियल एस्टेट में मैंने जैसे हम जानना है, ठीक है। इसमें मैं ये 1060 जो एड्रेस इसमें डाला हुआ है, ये मेरे कॉलेज का डाला है, फैंशो साउथ कैंपस का। आप अपने कॉलेज का या अपने एरिया का डाल सकते हैं। ये देखो भाई आ गया, इसमें सबसे पहले तो ऐड आ गया, दो ऐड हमको देखना नहीं है, लुकिंग फॉर रेंट, और ये देखो सब तरीके के आ गए। सबसे पहले तो आपने ये जैसे एरिया सेलेक्ट करना है, जैसे इसका रेडियस कम करना है, ज़्यादा करना है, ये आपके ऊपर है। मान लो इसको अप्लाई कर देना है मुझे, तो अब इसमें आप चेक कर सकते हैं, आपका पूरा फिल्टर आप लगा लीजिए, प्राइस का है या जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो जो फिल्टर है वो आप लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत सर्च करिएगा पूरी ये साइट, आने से पहले इंडिया से सब कुछ पता चल जाएगा। और अब मैं आप बात करने वाला हूँ तीसरी, जो कि बहुत ही यूनिक चीज़ है, जो और भी कॉलेजेस की होती थी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फैंशो प्रोवाइड करता है। जब आप फैंशो आ जाएंगे, आपका पहला ओरिएंटेशन का दिन होगा, उसके बाद आपको मतलब इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि कैसे कैसे क्या है। तो एक सबसे जो आपका मेन एक साइट होती है स्टूडेंट की, वो होती है FOL। FOL का मतलब है फैंशो ऑनलाइन। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा क्विक वो दिखा देता हूँ कि फैंशो ऑनलाइन के थ्रू भी आप कैसे स्टूडेंट रेसिडेंस या कैसे कहाँ मतलब देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने FOL खोल लेना है, उसके बाद यहाँ पे रिसोर्सेज की तरफ जाएंगे, तो ये स्टूडेंट सर्विसेज का एक टैब दिखाई देगा आपको। इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा आ जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट लाइफ, हाउसिंग, रेसिडेंस, और पूरा आ जाता है ना। तो आपने देखना है स्टूडेंट रेसिडेंस के ऊपर, तो इसमें लर्न मोड पे आप दबा दो। फिर इसमें आ जाएगा ये ऑन कैंपस रेसिडेंस आपको चाहिए या ऑफ कैंपस चाहिए, डिपेंड्स। आप ऑन कैंपस भी देख सकते हो, बस ऑन कैंपस में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है कि वो पूरे ईयर की फीस मांगते हैं, और हॉस्टल वाली चीज़ होती है, सेम टू सेम हॉस्टल होता है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होता। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऑफ कैंपस हाउसिंग के बारे में। तो ऑफ कैंपस में आप इधर दबा दो, और आप ये देखो, ये फैंशो पार्टनर्स विथ प्लेसेस फॉर स्टूडेंट्स INC, ऐसे करके एक इनकी पार्टनरशिप है किसी के साथ, ये placesforstudents.com करके। तो यहाँ पे आप सर्च अवेलेबल लिस्टिंग्स पे दबा दो, ये एक टैब खुल के आएगा। इसमें आप देखो प्रॉपर्टी, रूममेट्स, स्टूडेंट सबलेट्स, और सबलेट भी होता है यहाँ पे, आप चाहो तो सबलेट भी ले सकते हो, बट उसमें ये है कि वो फिक्स टर्म का होता है, उसके बाद आपको खाली करना पड़ता है। और उसके बाद इसमें प्रॉपर्टी लिस्टिंग, रूममेट्स वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हो, अगर आपको रूममेट ढूंढना है तो आप यहाँ से रूममेट का मतलब खोल के डाल सकते हो। इसमें जैसे मैं प्रॉपर्टी का आपको पहले दिखाता हूँ, प्रॉपर्टी में आपने क्या ढूंढना है, जैसे आपने ये देखो आ गया, ये एक है, ये कहाँ पे है मान लीजिए, इसमें हम दबाते हैं तो अब इसके बारे में सारा इसका आ गया सीन क्या है, ये आपका घर है, ये इसका एड्रेस है ना, ये पूरा इसकी इन्फॉर्मेशन है। इसका रेंट जो है 750 है पर मंथ, और ये इसका डायनेमिक म्यू मैप आ गया कि ये घर है और ये फैंशो का पता नहीं क्या है, ये घर है, यहाँ से फैंशो इतनी दूर है। तो ऐसे ही आप इसमें जो है सर्च कर सकते हैं, जो जो इसमें घर हैं आप आराम से खोल के डिटेल देख सकते हैं। बस ये है कि आप ये इंडिया से नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास FOL का एक्सेस होना चाहिए। तो ये तो हो गया इसका। और दूसरी चीज़, इसमें आप रूममेट भी ढूंढ सकते हैं। तो रूममेट में आप गए, इसमें इसमें लोगों ने भी डाल रखा है, आपने भी डाल रखा है, तो इसमें पहले आपने लॉग इन करना है, उसके बाद जो है आप इससे इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें मेल करने का एक ऑप्शन आता है, वो आ जाए, बहुत इजी है। तो दोस्तों ये तो थी तीन चीज़ें जिसके थ्रू आप जो है सर्च कर सकते हैं अपना अकोमोडेशन। बस ये याद रखिएगा कि भाई इंडिया से मत ढूंढने लगो, यहाँ पे आके आप देखने चाहो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी को पैसे मत देना इंडिया से आने से पहले। ये चीज़ मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, ये चीज़ बिल्कुल याद रखना कि इंडिया से किसी को पैसे दे के मत आना, लोग फ्रॉड करते हैं। और लंदन हो चाहे कनाडा हो, ये कोई बहुत क्लीन कंट्री नहीं है, सब जगह फ्रॉड होता है। तो भैया फ्रॉडसर से दूर रहना, अपना आते ही जो है फ्रॉड मत करवा लेना, क्यों खराब एक्सपीरियंस करना चाहोगे। तो चलिए दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग का सब काम स्मूथली हो जाए, आप लोग आए यहाँ पे। मेरे लायक कोई हेल्प हो तो ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, इस पे आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं आप हर तरीके के कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।